मेरा नाम महेश कुमार है। मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। आज से 16 साल पहले मेरी आंख में पेड़ की टहनी से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो लेंस है वो ख़राब हो गया था। और उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया, बाद में लेंस डाला गया। लेंस डलने के बाद मेरे को डबल चीज़ें दिखाई देती हैं। दूसरा, सूर्य की जो रोशनी है वो ज़्यादा आँख में पड़ती है। मैंने कई जगह दिखाया बट कहीं से भी मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस आँख को मत छिड़वाओ, अभी जैसा है वैसे रहने दो। और आज मेरा ऑपरेशन I7 हॉस्पिटल में होने वाला है, जो प्यूपलोप्लास्टी होएगी और पुराना लेंस निकाल कर दूसरा लेंस डाला जाएगा। मैं जैसे सर्च करता रहता था अपनी बीमारी के बारे में, तो मेरे को I7 हॉस्पिटल यूट्यूब पर नज़र आया और फिर मैंने यहाँ पर विजिट किया। फिर मेरे को यहाँ पर डॉक्टर आशीष मारकन जी मिले, इन्होंने बताया कि आपका पुराना लेंस निकाल के हम दूसरा लेंस डाल देंगे। तो इसमें एक तो जो भी आपके चोट लगी थी और उसके बाद जो लेंस डला है जी, है ना, लेंस जो है अपनी जगह से ऊपर की तरफ गया हुआ है, डिसेंटेड है, जिसकी वजह से आपको डिप्लोपिया हो रहा है और ये शेडो इफेक्ट आता है बीच बीच में। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें करनी है हमने। इस लेंस को निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद एक न्यू लेंस डालेंगे जी। बाकी लास्ट में जो चोट लगने की वजह से नीचे से प्यूपिल का डिफेक्ट है, उसके लिए एक प्यूपिलोप्लास्टी कर देंगे, ठीक है, ताकि प्यूपिल जो है आपका ऑलमोस्ट सर्कुलर हो जाए। पर्दा वगैरह आपका ठीक है, देखते हैं फिर। हाँ, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरा आज जो सर्जरी होगी वो अच्छी होगी। हाय, आई एम डॉक्टर आशीष मारकन, कंसल्टेंट विट्रोरेटिना एंड यूवीएस स्पेशलिस्ट एट I7 हॉस्पिटल। तो टुडे वी आर गोना ऑपरेट ऑन अ 33 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। बेसिकली इनको हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है वुडन स्टिक से अबाउट 16 ईयर्स बैक। उस टाइम पे इनका ओपन ग्लोब इंजरी था, सो देर आर सम कॉर्नियल स्कार्स विच आर प्रेजेंट, जहाँ पे इनकी सूचरिंग करी होगी। प्लस ही वॉज ऑल्सो ऑपरेटेड फॉर लेंस एस्पिरेशन एंड PCIOL वॉज पुट। तो अभी तो जो IOL है इनका, दैट इज़ डिसेंटेड, ऑल्सो देर इज़ एन इन्फीरियर आयरिस डिफेक्ट, और प्लस ही हैज़ अ रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ -7। तो वी हैव बेसिकली प्लान्ड फॉर IOL एक्सप्लांटेशन एंड देन वी विल डू अ सेकेंडरी IOL। द सल्कस इन दिस केस इट लुक्स एडिक्वेट, तो वील ट्राई टू पुट द 3-piece लेंस इन द सल्कस। एंड फाइनली, बिकॉज पेशेंट इज ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ डिप्लोपिया बिकॉज ऑफ इन्फीरियर आयरिस डिफेक्ट, तो उसमें वी विल बी डूइंग अ प्यूपिलोप्लास्टी एंड ट्राई टू मेक अ सर्कुलर प्यूपिल। वी आर स्टार्टिंग द केस, अभी हमने AC मेंटेनर लगा दिया है। देन आई विल ट्राई टू बेसिकली फ्री डाउन दिस आयरिस एडिजन्स फ्रॉम द कैप्सुलर एडिजन्स। तो उसके बाद देखते हैं कि इफ वी कैन फ्री द आयरिस एंड सल्कस की एडिक्वेसी चेक कर लेंगे। सो दिस इज़ अ हार्ड PMMA लेंस, तो इसमें वील हैव टू एनलार्ज द वूंड ताकि इस लेंस को हम बाहर निकाल सकें। अभी वी हैव एक्सप्लांटेड द लेंस, जो 3-piece लेंस था उसको एक्सप्लांट कर दिया एंड द प्यूपिल हैज कंस्ट्रिक्टेड। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट, तो अभी हमने आयरिस हुक्स लगाए हैं सो दैट वी कैन मैकेनिकली डायलेट द प्यूपिल एंड जस्ट असेस द सल्कस स्टेटस। तो हमें सल्कस अभी एडिक्वेट लग रहा है, इन्फीरियरली देर इज अ सल्कस डिफेक्ट, तो वील फर्स्ट ट्राई टू पुट दिस लेंस इन द सल्कस इटसेल्फ। बट देर इज अ सल्कस। सल्कस बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर है आयरिस के पीछे, जहाँ पे हम लेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये सल्कस ना होता तो इस केस में वी वुड हैव डन अ स्क्लेरल फिक्सेशन। तो राइट नाउ यू कैन सी वी हैव प्लेस दिस लेंस इन द सल्कस, और जो IOL के हैप्टिक्स होते हैं, जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 3-piece IOL का, इस तरफ से एंड इस तरफ से, इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है क्योंकि जो सपोर्ट है कैप्सूल की या सल्कस की वो इन्फीरियरली डेफिशिएंट है। सो वी डोंट वांट दैट IOL सिंक्स डाउन। तो जो हैप्टिक्स हैं वो हमने सल्कस में ईजिली प्लेस कर दिए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिलामेंट सूचर्स ऑन द लिम्बल वूंड, तो पहले लिम्बल वूंड को बंद कर लेंगे, चैम्बर हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा उससे, देन वी विल डू दिस fibrotic capsule removal just behind the lens, and finally we will be doing a pupilloplasty. So abhi through pars plana root ye cutter ke sath I am basically cutting down the fibrotic capsule jo visual axis ko obstruct kar raha hai, and we will also do some limited anterior vitrectomy. Visual axis clear ho gaya, and now finally we will be doing a pupilloplasty. सो अभी व्हाट वी डिड वाज, हमने 90 प्रोलीन सूचर की जो नीडल है उसकी एक बाइट इस एंड से ली थी, एंड फ्रॉम द अदर एंड वी हैड पास्ड अ 26 गेज नीडल, और 90 प्रोलीन की जो नीडल है उसको हमने डॉक कर लिया था 26 गेज के हब के अंदर, एंड देन वो बाइट जो यहाँ से ली थी उधर से हमने दूसरी तरफ से निकाल दिया है।
So now we'll be doing a four pass technique, and then we'll be doing a pupilloplasty. So we are doing a four pass technique. ये three passes हमने कर दिए हैं इस loop में से, and finally this is the fourth pass. And then we will pull both the ends. So we can very clearly see कि हमें एक बहुत ही well centered, roughly 2 millimeters का pupil achieve हो गया है. So now I'll be just hydrating all the wounds जहाँ से भी MVR entries बनाई थी, and so this is the end of the surgery. Today we've given a live demonstration of basically IOL explantation with a secondary IOL in sulcus, and inferior iris defect को cover करने के लिए we have done a pupilloplasty using a four pass pupilloplasty technique. दो knots लिए हैं हमने, दो passes लिए हैं, and उससे the pupil has become totally circular. And अभी कल सुबह इसकी पट्टी खुलेगी, and we'll give him a routine regular post op, and then eventually we'll follow him up at 1 week and then at 1 month. चश्मा निकालिए सर. देखिए RPCUSDTEKHZFVDPS जी, RUCEAKTH ठीक है, लास्ट वाले थोड़ा SDFV लास्ट में जेड एच है, इससे पहले अक्सर थोड़ा 6x9 सर, जो सेकंड लास्ट लाइन है ना नीचे से ऊपर, हाँ जी वो 6x9 है, वो तो पूरी आ रही है. अच्छा जी, लास्ट लाइन में भी कुछ लेटर्स आ रहे हैं, हाँ तो वो पार्शियल हो गया, पार्शियल हो गया. हाँ 6x6 पार्शियल है. सर्जरी से पहले मेरे को डबल विजन नज़र आती थी, और विदाउट ग्लासेस जीरो विजन थी, और डबल विजन होने के वजह से मुझे सिर में दर्द रहता था, पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती थी, ड्राइविंग करने में परेशानी थी. यहाँ पे सर्जरी हुई i7 में, तो मैं अब 6x6 पार्सली विदाउट ग्लासेस पढ़ रहा हूँ. डॉक्टर आशीष मारकन जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है. जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि एक 17 साल से कष्टदायक पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था. डॉक्टर साहब आशीष मारकन जी ने मेरे को नया जीवन दान देकर मेरा आगे का भविष्य उज्ज्वल किया है. ठीक है, चलो अभी तो बढ़िया हो गया है ना. हाँ जी, लेंस वगैरह भी ठीक है, प्यूपिल भी आपका बिल्कुल, अब तो लाइट वगैरह नहीं लगती होगी. नहीं अभी लगती है तो ठीक है, अभी तो बस मेडिसिन वगैरह कम करेंगे थोड़ी सी ना टाइम के साथ, फिर बाकी एक बार 1 महीने पे देख लेंगे. ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, बढ़िया अभी तो. कई बार बताई भाई ऐसे मेरे को डबल दिखता है, दूर का भी बहुत कम नज़र आता है, तो कई प्रॉब्लम बताता था, फिर बड़े सुन के भी बड़ा दुख आता था. जैसे बच्चे ने बताया कि हम 12 सेक्टर में भी गए, मैं भी साथ में चलता था इसके, उनके पास कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो इसका इलाज कर सकते थे. उन्होंने तो बस यही बताया भाई इसका जो लेंस है हमने जो डाल दिया अब ये ऐसे रहेगा, और इसको छिड़वाओगे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. अब जैसे बच्चे ने बताया भी हमने ये देखी, वीडियो देखी है i7 हॉस्पिटल की, तो उसके जरिए हम यहाँ पहुँचे, और इन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं बोला भाई ये छिड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो इन्होंने इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन हमें बताया, और बच्चा बता भी रहा है सबके सामने यहाँ कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं भी बड़ा इस हॉस्पिटल का सभी कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद करूँगा. और यहाँ एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक सभी की बोलबाणी बहुत अच्छी है, और मैं तो यही दिल से यही कहूँगा कि ये हॉस्पिटल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा.